हेलो दोस्तों, माइनू ब्लॉक में आपका स्वागत है। अभी अभी सुबह मैं उठा हूँ दोस्तों। सुबह उठने के बाद अब मैं मंजन और ब्रश करने जा रहा हूँ दोस्तों। और मैंने ये ब्रश और टूथपेस्ट निकाला और मैं अपने बेसिंग के पास जाऊँगा और अच्छे से मुंह को धुलूँगा। और मुंह को धुलने के बाद दोस्तों थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है दोस्तों। और उसके बाद हमने धुल लिया। धुलने के बाद दोस्तों थोड़ा बाल इधर उधर थे, बिखरे हुए थे, तो थोड़ा उसमें पानी लगा के उसको सेट कर लिया। और सेट करने के बाद दोस्तों अब मैं किचन में मेरी चाय पक रही है और हमारी वाइफ चाय पका रही हैं। चलिए चलते हैं हम अब किचन में। ये हम किचन में आ गए। देखिए चाय पक रही है दोस्तों, उसमें चाय और चाय पत्ती पड़ गई है और दूध डाल चुकी है और अदरक निकाल रही हैं। और ये इसमें अदरक हम दोस्तों लास्ट में डालते हैं, शुरू में डालेंगे तो उसमें दूध चाय फट जाएगी, दूध और चाय बेकार हो जाएगी दोस्तों। हमने डाल दी है और दूसरे चूल्हे पर चाय रख दिया है। ये हमारा परेठा है जो कि कल का दोस्तों है। कल के आटा रखा हुआ था फ्रिज में, उसको निकाल के ये हम पहले उसको लोई बनाएंगे। उसके बाद ये देखिए बेली जा रही। बेलने के बाद हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल या रिफाइंड का हो उसको लगा लेते हैं और इसको मोड़ लेते हैं और फिर लगाते हैं तेल। उसके बाद दो बार मोड़ते हैं दोस्तों। मोड़ने के बाद इसको फिर हम सूखे आटे में थोड़ा वो कर लेते हैं, सूखा आटा लगा के उसको थोड़ा बेलते हैं तो अच्छे से बेल जाता है दोस्तों। अगर आप बिना सूखा आटा लगा बेलते हैं तो चिपकता है, जिससे कि सही परेठा नहीं बन पाएगा दोस्तों। परेठा फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा तो ऐसे भी दोस्तों होता है, मगर उस शेप जो परेठा का है वो नहीं ले पाएगा। इसलिए हमने कम से कम दो बार आटा लगाते हैं। ये देखिए हमारा परेठा तैयार हो गया है दोस्तों। और अब ये पहले से तवा हमारा चढ़ा हुआ है सर दोस्तों आग पे, वो भी गर्म हो चुका है और परेठा हमने रख दिया है। अब चाय हमारे लगभग तैयार हो चुकी है और हम दोस्तों अब नाश्ता करेंगे। और नाश्ता करने के बाद दोस्तों हम दुकान की तरफ चलेंगे। ये देखिए ये हमारा गेट है और गेट हमने खोला दोस्तों, ये देखिए। और खोलने के बाद ये देखिए बाहर का नज़ारा कितना शांत और सुंदर नज़ारा। ये देखिए अपने गली में चल दिए दोस्तों, मोहल्ले में एकदम सन्नाटा, एक भी बंदर नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। सब अपने अपने घर में, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है दोस्तों। ये देखिए अब हम आ गए अपने दुकान पे। जब सब दुकान पे हम आए दोस्तों तो यहाँ पे एक आदमी सो रहा था हमारे दुकान के सामने, जो कि उसका दिमाग हमको लग रहा सही नहीं है, आए तो पागल है दोस्तों। क्योंकि वो गंदी एकदम फटा पुराना कपड़ा पहना था, तो कुछ गंदे बैग में कुछ गंदी चीज़ें रखा था। पॉलीथीन थी, डिब्बा था, पानी की बोतल थी, जो कि एकदम वो था, झोला फटा हुआ था दोस्तों। तो हमने उठाया, उठाने के बाद उसको हमने बोला आप साइड में थोड़ा हो जाओ, तो साइड उसको कर दिए दोस्तों। उसके बाद हम अपनी शटर उठाए। शटर उठाने के बाद दोस्तों और हमारे दुकान का व्यू देखिए दोस्तों। ये देखिए कानपुर हाईवे है, यहीं से जितनी भी कानपुर वाली गाड़ियां जाती हैं सब यहीं से जाती हैं। और सुबह का व्यू कितना बढ़िया है दोस्तों, शांत है। और ये देखिए अब अपने दुकान के अंदर आ गए, अपने दुकान का व्यू दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए ये हमारी दुकान है, पीछे फ्रिज रखी हुई है दोस्तों। और ये देखिए ये उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं,